नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार 8वीं तक के स्टूडेंट्स को पैसे के बदले में देगी मुफ्त किताबें। प्राथमिक शिक्षकों को जरूरी ब्रिज कोर्स कराएगी सरकार। दाखिल खारिज से जुड़े 10 लाख मामले लंबित। मुखिया, पंचायत और ग्राम कचहरी पर निगरानी रखेंगे प्रमंडलीय आयुक्त। सूर्यकुमार यादव सिर्फ बाउंड्री के जरिए बनाए हैं इतने रन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार 8वीं तक के स्टूडेंट्स को पैसे के बदले में देगी मुफ्त किताबें। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा यह तय कर लिया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त में किताबें दी जाएंगी। हालांकि ये नियम अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाएंगे। इस कार्य को पूरा किया जा सके इसके लिए 47 निविदा आई है। वहीं विभाग की ओर से यह तय कर लिया गया है कि बच्चों को मुफ्त में किताबें दी जा सके इसके लिए कुल 1.27 करोड़ किताबों को छपवाया जाएगा। जल्द ही इसके लिए एजेंसियों का चयन कर लिया जाएगा और उसके बाद किताबों की छपाई में काम शुरू कर दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 1.27 करोड़ किताबों में 1.13 करोड़ किताबें हिंदी की, 4.59 लाख किताबें उर्दू की और विभिन्न अन्य विषयों की 9.76 लाख किताबें छापी जानी है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले बच्चे किताब खरीद सके इसके लिए सरकार की ओर से पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब नियम में बदलाव करके पैसे के बदले मुफ्त में किताबें दी जाएंगी। दाखिल खारिज से जुड़े 10 लाख मामले लंबित। ऑनलाइन म्यूटेशन रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि बिहार में भूमि से जुड़े दाखिल खारिज के करीब 10,61,292 लोगों के मामले लंबित है, जिनमें सबसे ज्यादा लंबित मामला अररिया जिले का है, जहां करीब 71,000 से अधिक मामले लंबित है। वहीं सबसे कम मामला जिस जिले में लंबित है वह जिला समस्तीपुर है, जहां 34,581 मामले लंबित है। बता दें कि 10,61,292 लोगों में से 24,168 लोग ऐसे हैं जिनका मामला समय पर निष्पादित नहीं किया जा सका है। मिली जानकारी के अनुसार इस साल बिहार में अब तक दाखिल खारिज के मामले कुल 92,75,787 मामले आवेदन किए गए हैं, जिसमें से 32,59,207 मामले ऐसे हैं जिसे अंचलाधिकारियों के स्तर से अस्वीकृत कर दिया गया है। 27 को चुना जाएगा जदयू का नया प्रदेश अध्यक्ष। जदयू के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन सिंह के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि जदयू से इस साल 70 लाख लोग जुड़े हैं, जो कि 2019 की तुलना में यह 30 लाख अधिक है। इसके साथ उन्होंने यह जानकारी दी कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसके नामांकन का काम 26 नवंबर को किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को भी नई कार्यकारिणी में अहम पद मिल सकता है। इसके साथ ही आने वाले 10 दिसंबर को दिल्ली में जदयू का खुला सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसके चुनाव कार्यक्रम की जानकारी निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। कोलकाता के कॉल सेंटर से हुई ठगी का बिहार कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पुलिस के द्वारा कोलकाता के कॉल सेंटर से मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कुल 14 युवतियों और 8 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी से पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली है कि इस गिरोह से बिहार के पटना, नालंदा व समस्तीपुर के लोग भी जुड़े हुए हैं, जो ठगी के पैसे को बैंक के खाते से निकालते और फिर मुख्य सरगना तक कमीशन काट कर रकम भेजते थे। इसके साथ ही पुलिस को कई दस्तावेज भी मिले हैं, जिनमें से कई दस्तावेज पटना नालंदा में खुले बैंक खातों से संबंधित है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग एयरटेल, रिलायंस व अन्य मोबाइल कंपनियों का टावर लगाने का ऑफर देते थे और इसके बाद रजिस्ट्रेशन व अन्य कामों को लेकर पैसों की ठगी कर लेते थे। मुखिया, पंचायत और ग्राम कचहरी पर निगरानी रखेंगे प्रमंडलीय आयुक्त। बीते दिन बुधवार को पंचायती राज विभाग के द्वारा बाबत अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि अब बिहार में मुखिया, पंचायत और ग्राम कचहरी से जुड़े तमाम मामले की सुनवाई और उन पर कार्रवाई की अनुशंसा प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा की जाएगी। उसके बाद ही पंचायती राज विभाग पंचायत प्रतिनिधियों पर एक्शन ले सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इनसे जुड़े मामलों में सुनवाई पंचायती राज विभाग के द्वारा की जाती थी। बताना चले कि इससे पहले इन मामलों की सुनवाई करने में काफी लंबा समय लगता था, जिसमें जिलों की रिपोर्ट और सुनवाई के बाद आदेश जारी किया जाता था, लेकिन अब प्रमंडलीय आयुक्त को लोक प्रहरी का दर्जा दिए जाने के बाद विभाग और जिलाधिकारी कार्यालय का समय बचेगा। लालू यादव ने बताया आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इसी हफ्ते सिंगापुर जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने यह बता दिया है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। बता दें कि अब यह साफ हो गया है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान फिलहाल जगदानंद सिंह के पास ही रहेगी। वहीं पहले यह चर्चा हो रही थी कि जदयू का प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया जा सकता है, लेकिन लालू यादव ने दोनों नेताओं को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है। लोगों का मानना है कि जगदानंद अनुशासन के बेहद सख्त हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखने के लिए उनके जैसे लोगों की जरूरत है। एएसआई समेत 11 पुलिस कर्मियों पर हमला। बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दरधा गांव में जमीनी विवाद में फसल कटाई रोकने गई पुलिस पर वहां के ग्रामीणों के द्वारा हमला कर दिया गया। बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा किए गए हमले में एएसआई समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इन पुलिसकर्मियों में एक जमादार और 5 महिला सिपाही समेत दर्जन भर पुलिस मौजूद थे। फिलहाल अभी इन सभी घायल पुलिसकर्मियों को गोह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दरअसल दरधा गांव के कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को यह जानकारी दी गई थी कि विवादित जमीन पर लगे धान की फसल को जबरन काटने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद पुलिस वहां सही समय पर पहुंची। इस दौरान कुछ महिलाएं फसल काट रही थी, जब फसल काटने को मना किया गया तो गांव वालों के द्वारा पुलिस बल पर हमला कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षकों को जरूरी ब्रिज कोर्स कराएगी सरकार। छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा जल्द ही प्राथमिक शिक्षकों को 6 महीने के जरूरी ब्रिज कोर्स कराए जाएंगे। इसके लिए बीते दिन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा सभी जिलों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है कि ऐसे कितने बीएड शिक्षक हैं जिन्हें ब्रिज कोर्स कराना चाहिए। इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि छठे चरण में नियुक्त ऐसे बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षक और इससे पहले के भी बीएड योग्यता वाले सरकारी प्राथमिक शिक्षक की संख्या बतानी है जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। दरअसल ब्रिज कोर्स में यह बताया जाता है कि किस तरह बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। पटना में प्रदूषण के हॉटस्पॉट और इसके मुख्य कारण। बिहार में बढ़ते ठंड के बीच बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मन में यह सवाल आता है कि ठंड के बढ़ते ही AQI लेवल कैसे बढ़ जाता है। बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने की 3 वजह है, जिनमें से पहली वजह पेड़ काटना है, दूसरा स्लो ट्रैफिक, तीसरा निर्माण के लिए खोदी गई सड़कें शामिल है। वहीं इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, घरेलू ईंधन इंडस्ट्री, डीजी सेट, ईंट भट्टे जैसे कई कारण है जिससे प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। जानकारी के लिए बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हवा में AQI लेवल 300 से अधिक रहता है तो इससे लोगों को दमा, खुजली या एलर्जी जैसी बीमारी हो सकती है। शिवसेना के लिए प्रचार करने मुंबई जाएंगे नीतीश तेजस्वी। बीते दिन पहली बार बिहार में शिवसेना की युवा शाखा के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे आए और यहां नीतीश तेजस्वी से मुलाकात कर राजनीति के कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान आदित्य ठाकरे के द्वारा नीतीश तेजस्वी को मुंबई आने का भी न्योता दिया गया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए मुंबई जाएंगे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में यह बात फैल गई है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कईयों का सोचना है कि इससे शिवसेना उद्धव गुट को फायदा मिल सकता है, क्योंकि मुंबई में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं और शिवसेना को महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए बिहारियों की जरूरत है। ऐसे में तेजस्वी और नीतीश इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सुशील मोदी ने नीतीश तेजस्वी पर कसा तंज। सियासी आरोप प्रत्यारोप के दौरान राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के द्वारा उद्धव की शिवसेना के लिए वोट मांगने को लेकर नीतीश और तेजस्वी पर तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि जिस शिवसेना ने मुंबई में बिहार और उत्तर भारत के लोगों का लगातार अपमान किया है, उसी शिवसेना के लिए नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आदित्य ठाकरे बिहार बस इसलिए आए ताकि वे महाराष्ट्र महानगर पालिका के चुनाव में बिहारियों के वोटों को सुनिश्चित कर सके, लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मुंबई में बसे बिहारी अपना अपमान नहीं भूल सकते हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का आरएसएस और गोवलकर को लेकर बड़ा बयान। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवानंद तिवारी के द्वारा आरएसएस और नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि साल 1939 में जब मीडिया के द्वारा गोवलकर जी से सवाल पूछा गया था कि आप सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि हम भगवान श्री कृष्ण का विचार रखते हैं, वे एक बड़े साम्राज्य को अपने अंगूठे के नीचे रखते थे लेकिन कभी खुद राजा नहीं बने। उनके सपने को संघ ने नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाकर पूरा करवा दिया है। आज दिल्ली में बैठी मोदी सरकार संघ के अंगूठे के नीचे है। जिस तरह से नरेंद्र भाई संघ के आदेशों का पालन कर रही है, इससे उनका चरित्र ब्राह्मणवादियों के चाकर के रूप में ही उजागर हुआ है। केदारनाथ पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर लड़ेंगे चुनाव। पुष्कर भारतीय
कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से एमएलसी प्रत्याशी बने आनंद पुष्कर अब शिक्षकों की लड़ाई करेंगे। बता दें कि आनंद पुष्कर और कोई नहीं बल्कि दिवंगत एमएलसी और शिक्षक नेता केदारनाथ पांडे के पुत्र हैं। इस चुनाव के लिए आनंद पुष्कर के द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि 2022 का साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, हमारे पिता और भाई दोनों का साथ छूट गया, लेकिन मेरे पिता से जुड़े हुए साथ ने मुझे खूब प्रबलता दी, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि पिताजी के गुजर जाने के बाद सभी के कहने पर मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं और जो शिक्षकों के सपने अधूरे रह गए थे, जो उनका संकल्प था, इसको पूरा करने के लिए प्रयासरत हूं। सूर्यकुमार यादव सिर्फ बाउंड्री के जरिए बनाए हैं इतने रन। सूर्यकुमार यादव का नाम इस साल यानी कि 2022 में अब तक क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसके साथ ही वे आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इनके द्वारा बनाए गए रन में से सबसे ज्यादा रन बाउंड्रीज के जरिए जुटाए हैं। बताते चले कि सूर्यकुमार यादव के द्वारा आईसीसी T20 क्रिकेट में कुल 1164 रन बनाए गए हैं, जिनमें से 832 रन ऐसे हैं जो कि उन्होंने बाउंड्रीज के जरिए यानी कि 106 चौके और 68 छक्के मारकर बनाए गए हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.22 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत 94.02 रुपए प्रति लीटर है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां गुरुवार को भाव 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.04 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। वहीं सबसे कम कीमत बेगूसराय में है, जहां पेट्रोल की कीमत 106.93 रुपए और डीजल की कीमत 93.73 रुपए है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद नौसर राजा, नुन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, अखिलेश यादव, केशव कुमार, अनवर करीम खान, संजय कुमार, कविता कुमारी, राजकुमार कुशवाहा, कुलदीप कुमार, पूजा कुमारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, मनोज कुमार तिवारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार प्रदूषण के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है और आपके क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।